हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वर्ण। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड हाँ गाइस, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि बैंगलोर से हैं और जो कि घर वगैरह सर्च कर रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि दी, आपने जो घर लिया है कौन से एरिया में लिया है। बहुत सारे लोग लेना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी, लाइक मैंने कहाँ पे लिया है, एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब जो एरिया है वो मैं बता दूंगी, एंड प्राइसिंग वगैरह, मैंने कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करके लिए, क्या किया क्या नहीं किया, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट व्लॉग स्टार्ट करने के पहले मैं ये बोल दूँ कि जो हमारे बिल्डर हैं उन्हें भी पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, एंड उनको भी मैंने बताया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं, या हम लोग वीडियो बनाते हुए अगर दिख जाते हैं तो वो बता देते हैं, अदरवाइज मुझे पर्सनली उतना नहीं अच्छा लगता बताना कि यार मैं वीडियो बनाती हूँ या जो कुछ भी। तो उन ओनर को पता है कि ये यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं आप लोगों को कुछ वो नहीं करूँगी कि भाई इतने का है उतने का है, जो भी है एग्जैक्ट उतना मैं बता दे रही हूँ कि कितने का लिया है मैंने, कैसे सर्च किया, क्यों सर्च किया। तो हुआ ये था कि जो हम लोगों का रूम रेंट है, तो बैंगलोर में जो रहते हैं उन्हें पता हुआ कि रूम रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो मेरा जो रूम रेंट है वो ऑलमोस्ट 17K हो चुका है। तो हम लोगों को सडनली इतना ज़्यादा, मतलब उन्होंने बढ़ा दिया हमारे ओनर ने, तो हमने सोचा कि नहीं भाई हम लोग चेंज करेंगे। एंड रूम ढूंढने के चक्कर में मैंने एक्चुअली फ्लैट बुक किया था कुछ टाइम पहले, लेकिन वो कैंसिल किया था, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, मेरे डिलीवरी वगैरह होने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, जब माइंड फ्रेश रहेगा तब बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। तो फ्लैट हमने कैंसिल कर दिया था, तो हम लोगों को इस टाइम पर रियलाइज़ होने लगा कि यार नहीं, हम लोगों का जो डिसीज़न था फ्लैट कैंसिल करने का वो गलत था, हम लोगों को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रेंट अगर हम इतना पे कर रहे हैं तो उसमें और पैसे डाल के हम ईएमआई करके अपना खुद का फ्लैट ले सकते हैं। बट अगेन वो कुछ इयर्स तक के लिए, 99 ईयर्स या कुछ, 99 ईयर तो बिल्डिंग का वो भी नहीं होता है, लाइफ लाइन नहीं होता है, एंड उसके बाद से जो लैंड की वैल्यू मिलती है बहुत कम मिलती है, एंड देन अगेन हम लोग खुद से सेलिंग करेंगे वो लैंड को, क्योंकि वो बिल्डर ही हमें कहीं ना कहीं अलॉट करेगा। तो जो हम लोगों ने साइज़ देखा था वो 900 कुछ स्क्वायर फीट था, एंड उसके, मेरा हाथ दर्द हो गया, उसी के अंदर हम लोगों को जब लैंड की अथॉरिटी मिलती तो वो 300 स्क्वायर फीट मिलती। तो मुझे नहीं लगता है कि 95 लाख इन्वेस्ट करके एंड देन हम लोग मतलब 300 स्क्वायर फीट खरीदे बैंगलोर में। तो हम लोगों ने कुछ किया, हम लोगों ने पेमेंट वगैरह जब हम करने गए तो वो नहीं हो पा रहा था, तो लकीली हम लोग बच गए, नहीं किए। एंड देन हमारी जो बुकिंग अमाउंट थी, फिर वो भी हम लोगों ने डिस्कस वगैरह किया घर पे, सब लोगों से बात किया, एंड देन हम लोगों ने कैंसिल कर दिया उसको, क्योंकि घर वाले भी बोलने लगे कि नहीं ढूंढो अगर ज़मीन मिल जाता ये वो, तो हमें नहीं उम्मीद थी कि ज़मीन सहित कुछ ऐसा मिलेगा। बट फिर अभी रेंट जब बढ़ा तो मैं बोली लड्डू के पापा को कि नहीं चलो आप, थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पे ज़मीन, मतलब ज़मीन नहीं एक्चुअली रूम ही ढूंढते हैं 1 BHK 2 BHK ऐसे, क्योंकि 17,000 में 2 BHK भी मिल रहे थे, ऐसा नहीं है कि 1 BHK, और 1 BHK में देने का क्या फ़ायदा 17K, जब आप 2 BHK में ले सकते हो, पढ़ाई का काम कर सकते हो या फिर ऑफिस का काम कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको रूम को छोड़ दिया। बट जब हम लोग गए तो अपार्टमेंट देखने गए, तो अपार्टमेंट हम लोग को मिला था 40-50 लाख में, अनफर्निश्ड था, मतलब रॉ था पूरा। बट बात ये थी कि मुझे जो मिल रहा था फ्लैट वो 7th फ्लोर पे मिल रहा था, एंड उसकी बालकनी इतनी छोटू सी, जब मैं बालकनी में गई मुझे खुद ही डर लग रहा था। एंड हाँ, ये मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ही गए थे, क्योंकि बस पहला दूसरा महीना गया था, एंड देन 3rd मंथ में हम लोग ढूंढ रहे थे। तो मैं बोली कि इतना ऊपर, और ऊपर से अब एक और छोटा बच्चा होगा, तो बालकनी सेफ तो बिल्कुल नहीं है, एंड पता नहीं मुझे खुद भी ऐसा लग रहा था कपड़े कहाँ डालूंगी मैं, मतलब मुझे नहीं पसंद आया एक्चुअली में। फिर हम लोगों ने बोला कि थोड़ा सा और ढूंढते हैं। तो जब हम लोग आगे गए, मैंने ना नंबर देखा प्लॉट फॉर सेल, तो मैंने लड्डू के पापा को बोला कि चलो मैं करती हूँ कॉल। तो कॉल किया तो वो वहाँ से अपार्टमेंट से, एक्चुअली केयरपुरम में अपार्टमेंट देखा था, एंड वहाँ से 6-7 किलोमीटर और आगे था,
मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, ज़मीन है, अगर थोड़ा अंदर भी होता है तो डेवलपमेंट कुछ दिन बाद होगी, ज़मीन की वैल्यू कभी भी थोड़ी बढ़ ही जाती है। देन हम लोग ज़मीन के लिए आगे आगे जा रहे थे, फिर देखा हाउस फॉर सेल लगा हुआ था, फिर हाउस को देख के रुके हम लोग, मैं, लड्डू, लड्डू के पापा, हम तीनों थे। बट वो जो हाउस था वो 1.75 करोड़ का था, यानी 1.75 CR का। तो मैं बोली कि नहीं भाई, उतना हमारा बजट नहीं है। एंड मुझे ऐसा था कि छोटा भी हो बट मेरा अपना हो, जो कि हम पे, मतलब हमसे बिलोंग करे, ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं हो, क्योंकि बहुत मेहनत से भाई होता है सब कुछ। तो हम लोगों ने देखा, लड्डू के पापा को घर पसंद भी आया, लेकिन ट्रूली मैं बोल रही हूँ कि 1.75 का हमारा तो बजट बहुत दूर दूर तक भी नहीं था, 1 CR भी मतलब नहीं था, मतलब अंडर 1 CR ही था, कि चलो भाई उतना उस अकॉर्डिंगली देखेंगे। देन उसके बाद से एक घर देखा, फिर थोड़ा और आगे गए, फिर और एक घर देखा, फिर उस दिन मैंने 4-5 घर लाइन से देखे। एंड हाँ, मैं उस दौरान भी प्रेग्नेंट ही थी, मतलब कि अभी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था। तो गए हम लोग, फिर बहुत सारे घर देखे, ड्यूप्लेक्स वगैरह बहुत सारे देखे, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था घर जो थोड़ा कम कंस्ट्रक्टेड हो, ताकि फ्यूचर में मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको कंस्ट्रक्ट कराऊं। अगर वो पूरा बना बनाया मिल जाएगा तो मैं क्या ही उसमें कंस्ट्रक्ट कराऊंगी, अपने चॉइस का मैं कुछ नहीं करा पाऊंगी। तो आज नहीं, 4 साल बाद 5 साल बाद जब भी मैं कराऊं, मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कराऊं। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि बस ग्राउंड फ्लोर तक बना हो, ताकि रेंट वाला चीज़ भी हटे, जब भी हो हम लोग जल्दी से शिफ्ट करें, एंड EMI वगैरह हम लोग देना स्टार्ट करें। एंड मतलब हर जगह नहीं, अब ऐसा नहीं हो कि पूरा बन गया होगा तो ऑब्वियसली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, फिर बाद में आप तोड़ो फोड़ो उस घर को। तो उस प्रस्पेक्टिव से मैं नहीं लेना चाह रही थी, मैं ये लेना चाह रही थी कि अगर इनकेस अगर कभी मुझे रेंटल के लिए देना पड़े तो मैं उसे अकॉर्डिंगली बनाऊंगी, 1 BHK 1 BHK या फिर 2 BHK 1 BHK, ऐसा कुछ। ऐसा नहीं कि पूरा बना बनाया ड्यूप्लेक्स, मतलब मिल रहा था मुझे 3 फ्लोर्स का मिल रहा था, ड्यूप्लेक्स टाइप का ही था वो पूरा। एंड मुझे नहीं उतना अच्छा लगा, उसमें 4 रूम्स थे एंड मतलब ये सब हॉल वगैरह था, बट मुझे था कि नहीं बस एक ही फ्लोर हो और ऊपर हम लोग खुद से कंस्ट्रक्ट करा लें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर मुझे हॉल रखना है तो मैं सिर्फ हॉल रखूं, या फिर रेंटल पर्पज़ के लिए मैं उसको यूज़ करूं। देन हम लोगों ने बात बात किया एंड हमारा जो घर है हमने फाइनेंस कराया है। जो घर हमारा पड़ा वो मतलब 90 के आसपास पड़ा, अंडर 90 है, 85 से 90 के बीच में है। तो रजिस्ट्री वगैरह हमें कराई थी, जो कि ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं वो लगे। हम लोगों ने फाइनेंस कराया है LIC से, जो कि मैंने व्लॉग भी शेयर किया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा कैश हमने दिया है, और आप लोगों को पता है फाइनेंस हम लोग क्योंकि टैक्स पे ही हैं, तो फाइनेंस हमारे लिए ज़्यादा लिवे रहेगा, मतलब कि यूज़फुल रहेगा, और उतना पैसा हम लोग कैश में दे भी नहीं सकते थे, और हमारे पास फ्रैंकली उतने पैसे थे नहीं कि हम एक ही बार 85 लाख और 90 लाख कैश में दें। जो भी घर बनवाते हैं, जैसे कि यहाँ भी अगर, मतलब मेरे जो नोन में हैं, मेरे रिलेटिव या मेरे नोन में सब ने लोन वगैरह किया है, क्योंकि हमारा जो टैक्स का थोड़ा सा वो होता है, लिवे होता है कि आप टैक्स कम पे करते हो। एंड बेटर भी है ऑब्वियसली, जब हम कुछ टर्म के लिए ले रहे हैं तो फालतू में टैक्स में देने का क्या फ़ायदा। तो हम लोगों ने किया था LIC से, LIC में हमारा खुद का भी, हम लोग हर मंथ सेविंग करते थे, हर मंथ नहीं ईयरली हम लोग करते थे, लेकिन उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। LIC हम लोग होम फाइनेंसिंग से कराया, HFL से, हाउसिंग फाइनेंसिंग लोन, पता नहीं कुछ ऐसा ही है, HFL, तो वहाँ से हम लोगों ने कराया। एंड वो हर जगह अवेलेबल भी है, और गवर्नमेंट का था तो वेरिफिकेशन भी हो रहा था, एडवोकेट से भी वेरीफाई कराया, हर एक मटेरियल क्वालिटी क्वांटिटी कितना यूज़ किया गया है, कौन सा डोर, कौन सा मटेरियल, कौन सा पैनल यूज़ करेंगे, सब कुछ वेरीफाई होके देन हम लोगों ने रजिस्ट्री कराया। एंड उसमें ऑलमोस्ट हम लोगों को जो डाउन पेमेंट था 30 लाख के आसपास करना था, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप 80% तो लोन मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो कैश पेमेंट ज़्यादा कर सकते हो। तो हम लोगों ने भी जितना हमारे पास कैश हमने इतने दिनों में इकट्ठे किए थे, या जो भी हमारी सेविंग थी, या जो भी हमारा था कि हाँ हाँ इस बजट में हम लोग लेंगे, उस अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे थे। आप लोगों को पता है कि एक साल पहले भी हम लोग
घर लेने वाले थे, तो उस अकॉर्डिंगली हम लोगों का माइंडसेट हो चुका था कि इतने पैसे हमारे पास होने चाहिए एंड जितना ज़्यादा हम डाउन पेमेंट करेंगे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम लोग अपना माइंडसेट वैसे लेके चल रहे थे कि नहीं, हम लोग को करना है। एंड डेफिनेटली बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए नहीं कि पैसे कोई दे रहा है, इसलिए कि हम लोगों को मेरे घर में जो भी चीज़ें आती है, लाइक मेरे हस्बैंड जो भी करते हैं वो घर पे पूछ के ही करते हैं। अगर मैं घर भी आती हूँ तो वो घर पे पूछ के ही होता है। अगर हम लोग कुछ खरीदते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो कुछ भी, वो हमारे घर पे पूछ के ही होता है। ज़मीन का था तो बहुत बड़ा रिस्क था, सब लोग बहुत डर भी रहे थे, पापा भी डर रहे थे। पापा बोले कि नहीं, बहुत अच्छे से वेरीफाई कराना, देन लेने की बात हो। फिर भैया ने बोला, मेरे जो जेठ जी हैं, कि कोई बात नहीं है, रिस्क लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मम्मी और ने भी बोला, करना है तो मतलब सोचोगे तो हो जाएगा, कर लोगे। अगर मतलब ऐसे सोचोगे कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए करना है ही, आज नहीं तो कल। और वैसे भी मैं 5 साल से ये चीज़ सोच रही थी कि एट लास्ट मैं अब हो गया था कि घर नहीं तो फ्लैट तो लूँगी मैं। एंड इसलिए क्योंकि हम लोग जितना रेंट दे रहे हैं उसमें और कुछ पैसे मिला के हम ईएमआई दे देंगे। इसलिए नहीं कि मुझे जिद था कि मुझे लेना है लेना है, नहीं, मुझे ये था कि मैं छोटा सा भी लूँ, अपना हो जाए मेरा। एंड अब तो लैंड के साथ हो गया है तो बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जिस दिन हुआ सब बहुत खुश थे। मेरे पूरे ससुराल में जितने भी मेरे घर है, 5-6 घर, मतलब मेरे जो चाचा जी हैं, हमारी जो फैमिली है, सब लोगों के घर मिठाई वगैरह गई। मेरे पापा जी बहुत खुश थे। एंड बहुत जल्दी हमारे घर में फंक्शन होने वाला है, होपफुली मैं जल्दी से फ्री हूँ, क्योंकि पापा जी ने सब बोला हुआ है कि बॉडी एक बार खाली हो जाए। एंड मैं घर डायरेक्ट नहीं गई, रीज़न यही था क्योंकि पापा जी ने बोला कि तुम बहुत थकी हारे, क्योंकि मेरा तबीयत ट्रेन में ही बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। और वैसे भी सब लोग बहुत अगेंस्ट भी थे कि मैं ना जाऊं बैंगलोर, लेकिन भैया और ने बोला, मतलब मेरे जो जेठ जी हैं, कि अगर कोई जा रहा है साथ में तभी जाओ, काम है इसलिए जाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हम लोग नहीं जाने देते। तो सबसे पूछ वूछ करके ही गई थी मैं। एंड आज भी अगर मैं सिवान आती हूँ ना, तो मेरे घर से बकायदा मेरे पापा या फिर मेरे भाई लोग में से कोई जाता है, डेट रखता है या बोलता है कि भाई आना है या क्या बोल रहे हैं आप लोग, तभी मैं आती हूँ या जाती हूँ, जो कुछ भी। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि हर इवेंट पे मैं अपने घर पे होती हूँ, अपने ससुराल या मायके, तो उतना करके चलना ही पड़ता है। तो लकीली सब कुछ टाइम पे हम लोगों को मिल गया, फाइनेंस हो गया, मतलब रजिस्ट्री हो गई, बहुत कम टाइम के अंदर ये सब कुछ हो गया। बाकी अभी चीज़ें चल रही हैं, घर बना नहीं है पूरा, इतना हो चुका है कि आप अपना सामान रख दो, जैसे कि हम लोगों ने रख दिया है, सब कुछ शिफ्ट विफ्ट हो गया। और जो लोकेशन है ये KR पूरम के पास, कौन सा जगह है, हिंदना हली करके एक जगह है, वहाँ पे है। तो गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी, पता होगा, गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी के पास ही हम लोगों ने लिया। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आप लोग और भी फाइनेंस ऑप्शन से जा सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों का ये था, बहुत सारे का नहीं, एक दो का था, कि मेरे जो हस्बैंड है वो वर्किंग नहीं है क्योंकि वो इंटरव्यू दे रहे थे। तो मैं बता दूं कि IT में जो काम करते हैं वो अंडर 90 डेज, 60 डेज, मतलब नोटिस पीरियड सर्व करके जॉब स्विच कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको जॉब चेंज करना है तो आपके पास 90 डेज का ड्यूरेशन होता है। अगर आपको कोई मिल जाता है तो आप पेपर डाल सकते हो अपने ऑफिस में कि हाँ मैं स्विच कर रहा हूँ, देन आपका आप स्विच कर सकते हो। और कोई भी ऐसा नहीं होता ना कि अब जैसे मेरे हस्बैंड की छोड़ दे जॉब एंड देन जॉब स्विच करें, नहीं, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं एंड देन उसी के साथ साथ वो लोग अपने ग्रोथ के लिए देखते रहते हैं। आज आपका पैकेज अगर 20 लाख है, कल 30 लाख होगा, 40 लाख होगा, जिस अकॉर्डिंगली भी आपको स्विच करना है। जो IT में होंगे उनको पता होगा, नॉन IT भी जानते हैं मोस्टली, बहुत कम लोग होते हैं जो ये नहीं जानते हैं कि हम जॉब करते करते पढ़ाई करके स्विच कर सकते हैं। एंड हमारा कुछ नोटिस पीरियड होता है, जैसे छोटी कंपनी में 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। एंड लड्डू के पापा का 5 साल एक ही कंपनी में एक्सपीरियंस रह चुका है, इसलिए वो जॉब स्विच कर रहे थे। पैकेज का वो सीन नहीं है, बट ग्रोथ का वो है कि थोड़ा सा ऑब्वियसली एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने में ग्रोथ होता है। बाकी उनको तो लगता है यार मेरा गवर्नमेंट जॉब टाइप का ये जॉब है, एकदम सेफ्टी सिक्योरिटी, कोविड के टाइम भी कुछ डिले नहीं, कुछ भी नहीं। एंड अभी रीज़न यही है कि वो बैंगलोर में, क्योंकि उनका ऑफिस अभी हाइब्रिड है तो आना जाना करना पड़ रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा।
अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो इसको खूब सारा शेयर कीजिए ताकि जो भी बैंगलोर में लेना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। ट्रस्ट वर्दी वीडियो है, कोई फ्रॉड नहीं है। मेरा जो पेपर है वो लड्डू के पापा के पास है, तो हो पाए तो मैं कभी पेपर के साथ आप लोग को शेयर कर दूंगी। बस इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।